भाई स्नैपड्रैगन 750G एक 5G प्रोसेसर है जो स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है और काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे फ़ोन्स में आपको ये अवेलेबल है, लाइक आपको बहुत सारे फ़ोन्स मिल जाते हैं। कुछ मोटो की तरफ से है, मोटो G5G है, MI का 10i है, और अभी सैमसंग की तरफ से आने वाले हैं सैमसंग A52 5G और सैमसंग गैलेक्सी M42 जो कि अभी आज लॉन्च होगा 28 अप्रैल को। उसके अंदर भी हमें स्नैपड्रैगन 750G देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी ये स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला कुछ सस्ते प्रोसेसर्स में से, यानी कि जो हमारे बजट रेंज के प्रोसेसर्स हैं उनमें शामिल है, जो 20,000 तक आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। स्नैपड्रैगन 750G वाले जो फ़ोन है आपको 20,000 में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रोसेसर है जो डायमेंसिटी की तरफ से आता है, मीडियाटेक की तरफ से आता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700, जिस पर हाल ही में अभी दो फोन एकदम धड़ाधड़ लॉन्च किए गए हैं, एक रियलमी 8 5G और एक है ओप्पो का A53s। दोनों ही 5G परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में आपके मन में डाउट होगा क्या दोनों 5G परफॉर्मेंस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर बेटर प्रोसेसर कौन सा है और हमें किसकी तरफ जाना चाहिए और क्या ये दोनों प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं और दोनों में से कौन इस बैटल को जीतता है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 750G वर्सेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। मोबाइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है MK सिंह। स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 के अंदर और डायमेंसिटी 700 को लॉन्च किया है 10 नवंबर 2020 में। ये दोनों आसपास के ही प्रोसेसर हैं। 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है स्नैपड्रैगन 750G और डायमेंसिटी 700 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है, फ़ोन आपका और प्रोसेसर आपका उतना ही पावर एफिशिएंट होता है। आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो ज़्यादा सेव होती है, कम खर्च होती है। तो डायमेंसिटी 700 इस मामले में आगे निकल जाता है। बात करते हैं हम कोर्स की, तो दो कोर्स कॉर्टेक्स A77 की हैं, 2.2 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं स्नैपड्रैगन 750G में, और 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की जो 1.8 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं, यानी कि ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और डायमेंसिटी 700 भी एक ऑक्टा कोर 64-bit प्रोसेसर है, जहाँ पर दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 की हैं जो 2.2 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं, और 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 2 GHz तक क्लॉक हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉर्टेक्स A77 की कोर्स हैं 750G में, और ये क्रायो की कोर्स हैं जो कस्टमाइज करके बनाता है क्वालकॉम। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हमें डायमेंसिटी 700 से प्रोवाइड करेंगी, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 750G काफ़ी आगे हम कह सकते हैं डायमेंसिटी 700 से। बात करते हैं इसके अलावा GPU की, तो एड्रिनो का 619 GPU स्नैपड्रैगन 750G के अंदर है और डायमेंसिटी 700 के अंदर हमें आर्म का माली G57 MC2 GPU देखने के लिए मिलता है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन एड्रिनो 619 में आप अच्छी गेमिंग कर पाओगे डायमेंसिटी 700 के कंपेरिजन। दोनों में हमें डुअल चैनल रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो LPDDR4X रैम को 12 GB तक सपोर्ट कर सकता है और 2133 MHz तक सपोर्ट है। तो दोनों में ये सेम टू सेम हमें देखने के लिए मिलता है, और UFS 2.2 का स्टोरेज भी सपोर्ट हमें दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर तो दोनों चीज़ें बराबर ही निकल करके आती हैं। बात करते हैं हम कैमरा सपोर्ट की, तो 192 MP तक का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है स्नैपड्रैगन 750G, और 48 MP को MFNR और ZSL दोनों कर पाएगा, और 32 और 32 MP के डुअल कैमरे को सपोर्ट करता है, जबकि डायमेंसिटी 700 64 MP के सिंगल कैमरे को और 16 MP के डुअल कैमरे को सपोर्ट कर सकता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बेटर है स्नैपड्रैगन 750G। यहाँ पर बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो डायमेंसिटी 700 केवल 2K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएगा, जबकि स्नैपड्रैगन 750G 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है @30 FPS। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट की, तो Full HD+ डिस्प्ले 120Hz तक सपोर्ट कर सकता है स्नैपड्रैगन 750G, और Full HD+ डिस्प्ले 90Hz तक सपोर्ट कर सकता है डायमेंसिटी 700। दोनों में ही हमें नेविक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और डाउनलोडिंग स्पीड भी हमें 3.7 GBPS तक की मिलती है स्नैपड्रैगन 750G में, और डायमेंसिटी 700 में 2.77 GBPS तक की मिलती है। दोनों ही हमारे 5G प्रोसेसर हैं, दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं अंतुतु स्कोर की, तो स्नैपड्रैगन 750G में 3,32,000 का अंतुतु स्कोर है, और डायमेंसिटी 700 में 2,88,000 हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस हमने देखा कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में स्नैपड्रैगन 750G काफ़ी ज़्यादा आगे निकल के आता है। 700 के पास सिर्फ एक एडवांटेज है,
और वो एडवांटेज होता है इनके पास 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस का। इसके अलावा सारी चीज़ों में स्नैपड्रैगन 750G आगे है, चाहे वो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गेमिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिस्प्ले सपोर्ट हो, या फिर आपको सपोर्ट मिलता हो कैमरा सपोर्ट या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे बैटल में स्नैपड्रैगन 750G काफ़ी ज़्यादा आगे है और एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। और ये बैटल वो जीत जाता है अपने GPU और CPU के दम पर, वहाँ पर आपको कॉर्टेक्स A77 की कोर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँचा देती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।